जब सरकार अपनी हो तो फिर कहने ही क्या, जब चाहे किसी को गरिया दीजिए, जब चाहे लतिया दीजिए, कौन पूछने वाला है। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला देखने को मिला बाराबंकी से, जहाँ एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें भाजपा सांसद उपेंद्र रावत द्वारा सहायक अभियंता संजय को न सिर्फ गालियां दी गई बल्कि धमकाने का भी आरोप लगा है। दरअसल शनिवार को बाराबंकी से भाजपा सांसद उपेंद्र रावत हैदरगढ़ के कांदूपुर गांव पहुंचे थे। ऑडियो में सांसद जी सहायक अभियंता से कांदूपुर में एक पुल को लेकर सवाल करते हैं। सवाल तक तो ठीक रहता, लेकिन भावनाओं में बहते हुए भाजपा सांसद उपेंद्र रावत सहायक अभियंता को अपनी जुबा का कौशल दिखाते हुए चुनिंदा गालियों से नवाज देते हैं, जिसके बाद से अभियंता डर के कारण अब छुट्टी लेकर घर बैठ गए हैं। लेकिन एक बार आप खुद सांसद जी के टैलेंट से भरी वो कथित ऑडियो सुनिए, जिसमें वे कह रहे हैं कि मैं गरियाने के साथ मारता भी बहुत हूँ। हेलो हेलो जी साहब, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कहाँ हो भाई, आज यहाँ बुलावा कराया होने तो? नहीं सर, हमको तो पता पता चला बड़े साहब गए हैं, छोटा और जेई साहब गए हैं, दोनों लोग गए हैं। मैं सर लगा हुआ हूँ पत्रकार के पास, हमारे यहाँ 14-15 समितियों का वो है मीटिंग हुआ था, उसका टेंडर निकालना था साहब। हम लगे हो टेंडर वो समिति के नहरों का? अच्छा, तो ये कानूपुर का पुल बहुत महत्वपूर्ण पुल है, इस पर हमने कई बार चिट्ठी लिखी है और तुमका चिट्ठी 5-6 लिखी गई है, लेकिन एस्टिमेट नहीं बना रहे उसका। कौन कह दिया साहब हम एस्टिमेट नहीं बना रहे, ऐसा नहीं है सर। तो यहाँ कब आओगे, पुल पे कब आओगे? सर मैं सब काम छोड़ के आ जाऊंगा साहब, बंद कर देता हूँ सब काम, आ जाता हूँ। कब आइए? बस अभी आ जाता हूँ साहब, बताएं सर। कितना टाइम लगेगा सर? कितना दूर है यहाँ से? तकरीबन 17-18 किलोमीटर है। ऐसा है सर, मैं अभी निकलता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, मैं इन्हीं के पास बैठा था, पत्रकार लोगों को बुलाया था मैं देने के लिए, कागज बन ही गया है, दे भी दिया हूँ इन लोगों को। हाँ आ जाता हूँ सर मैं, बस निकल। कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा लगेगा हमको लगता है, 15-20 मिनट सर। मैं ऐसा है, आज 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 ना ये, क्योंकि आज हम यहाँ से निकलने वाले हैं। ठीक है सर, अगले दिन कोई टाइम रख लीजिए, तब भी हो। कहाँ सर? नहीं आवाज पे नहीं, यही पुल देखेंगे। जनता यहाँ पर बहुत लोग खड़े हैं ना, परेशान है बहुत दिन से, तो यहाँ सर गए हैं ना अधिशासी अभियंता महोदय, गए हैं यही गए हैं सर। अधिशासी अभियंता की बात अब न करो तुम, ठीक है? हेलो सर, हाँ तुम्हारा क्षेत्र है, घुसेड़ देंगे, बता देते हैं। ठीक है सर, आ जाएंगे सर आप। हमको हमको दिन बताओ किस दिन आओगे। सर मैं तो रोज रहता हूँ सर, आप जब कहेंगे तब आ जाएंगे। नहीं सुनो, हम गरियाते भी बहुत हैं और गाली से नहीं मानते, मारते भी बहुत हैं सर। मैंने हमको दिन बताओ, हमको दिन बताओ किस दिन आओगे, ये खाली इतना बता दो। जब कहेंगे मतलब तुम्हारे पास मैसेज जाएगा, तुम आओगे नहीं? सर मैं कहीं फंसा हुआ था साहब, मुझे पता चला पौने दो घुसने देंगे, ताला लगा वहीं बैठेंगे आकर के तुम्हारे ऑफिस के सामने। विधायकों के टिकट कटवाते हो ना? हम क्यों कटवाएंगे साहब, बताया ना, रामनरेश रावत का टिकट कटवा दिया तुमने, हम क्यों कटवाएंगे साहब? आओगे किस दिन ये बताओ पहले। सर जब बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगा साहब। ये तुमको 6 चिट्ठी लिखी गई है और इसका नहीं कर रहे हो, ये पीएम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में ये सड़क बन रही है और ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़क बन रही 20.5 किलोमीटर की हमने मंजूर कराई है, उसमें चूना लगा रहे तुम। सर हमारे स्तर से कोई दिक्कत ना हुई होगी सर, पता नहीं कहाँ कंफ्यूजन है। आओ जब आओगे तब बताएंगे ना, चाहे जहाँ मिल लो, तुम हैदरगढ़ में आ जाओ ना, पुल पे आना हो पुल पे आ जाओ, तो यहाँ जनता भी बैठी है, जनता है वो भी मिलेगी तो देखेगी, अन्यथा हैदरगढ़ में आओ। बहरहाल कथित वायरल ऑडियो 15 अक्टूबर शनिवार का बताया जा रहा है, जिसमें भाजपा सांसद गरियाने के साथ धमका रहे हैं, जिसके बाद अब सहायक अभियंता संजय ने हैदरगढ़ कोतवाली पुलिस को भी तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं सांसद उपेंद्र के डर से अभियंता छुट्टी लेकर घर चले गए हैं और मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया है, लेकिन थाने पर शिकायत दर्ज कराने के दौरान सहायक अभियंता ने कहा कि मुझे अब सुरक्षा को लेकर बहुत चिंता है, मैं जिले में अब काम कैसे करूं। फ़ोन पे वो बुला रहे थे हमको कि यहीं आ जाओ, तो मतलब उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके कार्यकर्ता उत्साहित थे, अगर मैं पहुंच जाता तो शायद मेरे साथ दुर्व्यवहार हो जाता, अब पता नहीं किस स्तर तक होता ये तो मैं नहीं जानता हूँ, बातों से तो मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। मुझे नहीं लग रहा कि जब तक या तो सांसद जी
अलाउ करें कि हाँ आप नौकरी करिए तभी मैं इनके यहाँ नौकरी कर पाऊँगा भाई। तो बातों से तो मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है, दैट इज कंफ्यूज। बोले कि स्थिति नहीं है, वो माननीय है, मैं क्या बोलूँगा उनके लिए, बोलिए ठीक नहीं है। आपने अवकाश ले लिया? हमने अवकाश ले लिया है। मैं नहीं समझता कि एक सांसद के अंदर जिले में काम मैं करूँ, वो हमसे नाराज़ रहें। अपनी सुरक्षा को लेकर आपने लिया? हाँ, चिंता तो है थोड़ी सी, हमको इसकी चिंता है, चिंता है। मेरा आज 22 साल का कैरियर है इस डिपार्टमेंट में, मेरे ऊपर, मैं गोंडा में था, वहाँ गोली चली, मैं बच गया। मैं रायबरेली में दो जगह गोली चली, वहाँ भी बचा। मैं सरकार राज का काम करता रहता हूँ, तो अब क्या बातें हैं, क्यों गुस्सा हुए मैं तो नहीं जानता हूँ, किसी ने भी स्पीड करा उनको। मैं उसको लेकर आज इन्होंने क्या कहा, उस बात को लेकर उन्होंने कहा कि आपने रामनरेश रावत जी का टिकट कटवा दिया। मैं कौन होता हूँ, मैं तो एक नौकरी करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं कौन होता हूँ किसी के लिए, किसको टिकट मिला किसको नहीं मिला उसे हमें क्या करना रहता है। पता नहीं उन्होंने क्यों कहा नहीं था, लेकिन घटना हुई थी, उसको मैंने लिख पढ़ दिया था SPDM। वहीं जब इस मसले पर भाजपा सांसद उपेंद्र रावत से पूछा गया तो वे पुल निर्माण से जुड़ी जानकारी और शिकायत कैमरे के सामने रखने लगे, लेकिन सांसद महोदय ने जो शालीन शब्दों का इस्तेमाल किया उस पर चुप्पी साध गए। प्राकलन तैयार करने के लिए अधीक्षण अभियंता ने दिया था 6 जून 2021 को। 6 जून 2021 के बाद से आज तक अधीक्षण अभियंता के निर्देश का अनुपालन जो है सहायक अभियंता संजय कुमार के द्वारा नहीं किया गया। नवंबर 2021 में वहां के SDM ने लिखा है कि यह पुल जो है इस पर दुर्घटना हो सकती है, जनता की मांग है, वहां जनता के लोग आंदोलित हैं। तो SDM हैदरगढ़ ने भी लिखा है, लेकिन उनके लेटर का भी कोई जो है अनुपालन नहीं किया गया, उसको भी नज़रअंदाज किया गया। और यह है नवंबर 2021 की बात, SDM हैदरगढ़ ने लिखी। नवंबर 2021 में ही एक PWD के अधिशासी अभियंता ने भी लिखा है सिंचाई विभाग को कि इस पुल की मरम्मत जल्दी कराया जाना आवश्यक, अन्यथा इस पर दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि इस पर आवागमन ज़्यादा है। PWD के एक्शन ने लिखा, वो भी इनको मार किया गया आगरण बनाने के लिए, आगरण नहीं बनाया इन्होंने। हम मेरे द्वारा लिखी गई, वहाँ के माननीय विधायक जी के द्वारा लिखी गई, तमाम और जो है जनता के लोगों के द्वारा लिखी गई, कुछ मंडल अध्यक्ष है उनके द्वारा लिखी गई। तो इन पर सब पर जो मैंने जानकारी चाही अधिशासी अभियंता से, तो अधिशासी अभियंता ने यह दिया कि इस पर आज तक जो सहायक अभियंता संजय कुमार से वो आगरण मांगा जा रहा है, लेकिन आगरण नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए अगली कार्यवाही नहीं इस पर की जा पा रही। ये सब सारे लेटर वो हैं। फिलहाल भाजपा सांसद उपेंद्र के डर से अभियंता छुट्टी लेकर घर चला गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि सांसद जी इस मसले को कैसे सुलझाते हैं। बाराबंकी से रेहान मुस्तफा की रिपोर्ट, UP तक।